कांग्रेस ने फिर बोला आरएसएस पर हमला, आजाद हिंद फौज का बताया विरोधी। सावरकर की आड़ में संघ पर किया वार, क्या संघ करेगा कांग्रेस पर पलटवार। एक तरफ इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में आरएसएस का 5 दिनी अधिवेशन शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ भोपाल के बैरागढ़ में कांग्रेस से बदल का कार्यक्रम। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इस सम्मेलन की शुरुआत की, यहां तक सब सामान्य था। लेकिन इसी बीच भोपाल में सेवा दल के कार्यक्रम में बटी एक किताब पर अब बवाल शुरू हो गया है। इस किताब के जरिए कांग्रेस ने आरएसएस पर तीखा प्रहार किया, साथ ही साथ वीर सावरकर पर भी विवादित टिप्पणियां की गई हैं। इस किताब में लिखा है, आरएसएस को फासिस्ट यानी तानाशाहीवादी क्यों कहा जाता है। आरएसएस ने प्रारंभ से हिटलर के नाजीवाद और मुसोलिनी के फासीवाद से प्रेरणा ली थी, जो 1930 और 1940 के दशक के दो कुख्यात तानाशाह रहे। आरएसएस उन्हें अपना आदर्श मानती रही है, जैसे हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, आरएसएस भी देश के अल्पसंख्यकों को अपने नागरिक अधिकारों से वंचित करना चाहता है। इसके अलावा एक अन्य पृष्ठ पर तो आरएसएस को आजाद हिंद फौज का भी विरोधी बताया गया। इसमें लिखा है, नेताजी बोस के आजाद हिंद फौज आईएनए के खिलाफ आरएसएस या हिंदू महासभा की भूमिका। जब नेताजी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश को आजाद कराने के लिए विदेशी सहायता सुनिश्चित कर रहे थे और देश के पूर्वोत्तर पर एक सैन्य हमले की योजना बना रहे थे, तब वीडी सावरकर ने अंग्रेजों को पूर्ण सैन्य सहयोग की पेशकश की थी। सावरकर ने 1941 में भागलपुर में हिंदू महासभा के 23वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा, जहां तक भारत की रक्षा का संबंध है, हिंदू समुदाय को भारत सरकार के युद्ध के प्रयासों में पूरे उत्तरदायित्व से सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यही समस्त हिंदुओं के हित में है और इसीलिए सभी को बहुत बड़ी संख्या में सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल होना चाहिए। ये ध्यान में रखना चाहिए कि युद्ध में जापान के प्रवेश से हम सीधे ब्रिटेन के दुश्मनों के हमले की जद में आ गए हैं। नतीजतन चाहे हम इसे पसंद करें या नकारें, यदि हम युद्ध के विनाश से स्वयं का और अपने घर का बचाव करना चाहते हैं, तो ये केवल भारत सरकार के युद्ध के प्रयास में मदद करके ही किया जा सकता है। भाईचारों में झगड़े कराकर इस देश पर राज करें, पहले गौ माता के नाम पे आ गए, फिर रामलला के नाम पे आ गए, अब उनको सांप्रदायिकता भड़काकर अपनी सत्ता में काबिज होना चाहती है, देश के दो टुकड़े करना चाहती है। ये पूरे जो अपने इस मुल्क की संस्कृति है, वो संस्कृति को सनातन धर्म के समय से बरसी सबको लेके चलने वाली संस्कृति, उसको नष्ट करके देश के टुकड़े कराने के लिए योजना बना रही। सबसे पहले तो वीर सावरकर शब्द से ही हमको बड़ा आपत्ति है, क्योंकि वो वीर थे कि नहीं है उसके पर बहुत बड़े सवाल हैं, क्योंकि हम लोगों ने पूरा लिखा है कि वो कायर लोग होते हैं, जो माफीनामा लिखते हैं वो कायर होते हैं, वो झूठ बोल देते हैं वो कायर होते हैं, वो अपने ही साथी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। यही सब मुद्दों के लेकर पूरी एक तरीके से देखा जाए सबूत के साथ ही किताब जो है वो है, जिसमें कार्यकर्ताओं को सत्य पता चले, तो इसके लिए शायद काफ़ी लोग अभी रुचि दिखा रहे हैं कि ये इतना बड़ा सत्य अभी तक ये छुपा कैसे रहा। आरएसएस और भाजपा ने षड्यंत्र के तौर पे उनको महान बनाने का कोशिश किया, पर वास्तविकता कुछ और है। वीर सावरकर कितने वीर, इस किताब के लगभग हर पेज पर इसी तरह सावरकर को देश विरोधी बताने की कोशिश की गई है। जाहिर सी बात है कि सेवा दल की इस हरकत पर बीजेपी आग बबूला हो रही है। कांग्रेस लगातार क्रांतिकारियों का अपमान करती आई है और ये उसी का एक उदाहरण है। वीर सावरकर जी के बारे में स्वयं इंदिरा गांधी जी, जो कांग्रेस की नेता थी उस समय प्रधानमंत्री थी, डाक टिकट जारी किया था, उनको आज़ादी का महान योद्धा बताया था। महान क्रांतिकारी, आजीवन कारावास दो दो बार का झेलने वाले, उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणियां निश्चित तौर पर ये ना केवल वीर सावरकर का अपमान है, बल्कि आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले क्रांतिकारियों का अपमान है। शिवसेना को भी इस मामले में जवाब देना चाहिए, क्या वो ऐसी कांग्रेस के साथ में खड़े हैं जो वीर सावरकर का लगातार अपमान कर रही है। और दूसरी बात, जिस प्रकार अपने ही लोगों को इतिहास के गलत तथ्यों को पढ़ाया जा रहा है, अपने ही लोगों को सेवा दल के जो उनके ही अपने नेता हैं
उनको इतिहास की गलत जानकारी दी जा रही है, वो क्या समझेंगे कि उनको ही पप्पू बनाने का काम किया जा रहा है? जो इतिहास है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई से अगर आप मुंह मोड़ने का काम करोगे, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने को, तो बच नहीं पाओगे। खैर, कांग्रेस अपने सेवा दल को मजबूत कर आरएसएस के मुकाबले खड़ा करना चाहती है, ताकि लोगों के बीच वैचारिक स्तर पर संघ से युद्ध लड़ा जा सके। पिछले काफी समय से सेवा दल निष्क्रिय हो गया था। ऐसी विवादित किताबें बांटकर सेवा दल को भी सुर्खियों में लाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले को नागरिकता संशोधन अधिनियम से जोड़कर प्रासंगिक बनाने की कोशिश की गई है। कुल मिलाकर कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। अब देखना है कि इंदौर में चल रहे संघ के शिविर से क्या इन आरोपों का माकूल जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।